हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। हम कर रहे थे सीट एट प्रैक्टिस सीरीज, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम करेंगे एनसीएफ पे क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले पिछली वीडियो देख के आए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट आपका एनसीएफ का। करिए, करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फ्रेमवर्क डेट टॉक्स अबाउट द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। उस ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा है। कौन सा फ्रेमवर्क था वो? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2020 या एनसीएफ 2009? तो इसका सही आंसर है एनसीएफ 2005। इस एनसीएफ 2005 में ही बात की है टीचिंग और लर्निंग की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में। और प्लीज आप कमेंट करके बताते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। एनसीएफ द मेन थीम ऑफ एनसीएफ 2005, व्हेन डिड द आइडिया एजुकेशन विदाउट बर्डन कम। तो एजुकेशन विदाउट बर्डन की जो मेन थीम थी हमारी एनसीएफ की, जो एनसीएफ की मेन थीम थी एजुकेशन विदाउट बर्डन, कि बच्चे पर बर्डन नहीं बने शिक्षा, तो वो आइडिया कौन से सन में आया था? इन 1998 AD, 1993 AD, 1987 AD या 1947 AD? तो इसका सही आंसर है कि 1993 AD में क्या था, इसका मेन जो थीम थी वो आइडिया आया था एजुकेशन विदाउट बर्डन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द कंसेप्ट ऑफ डैश लर्निंग इज गिवन बाय डॉक्टर यशपाल। जो कंसेप्ट है हमारा किसका सीखने का, वो जो है वो किसके थ्रू आया था? कौन सी कंसेप्ट का, जो ऐसी कौन सी कंसेप्ट की लर्निंग थी जो डॉक्टर यशपाल ने दी थी? इमोशन फ्री, असेसमेंट फ्री, बर्डन फ्री या स्कूल फ्री, ऐसा कौन सी लर्निंग थी जिसका कंसेप्ट डॉक्टर यशपाल ने दिया था? तो डॉक्टर यशपाल ने हमें दिया था बर्डन फ्री लर्निंग। बर्डन फ्री लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर यशपाल के थ्रू हमारे पास आया था। फोर्थ, एज पर एनसीएफ 2005 द जनरल एस्पेक्ट विच इज ए फिजिकल इनकन्वीनियंस टू चिल्ड्रन। एनसीएफ 2005 के कंसेप्ट के थ्रू ऐसी कौन सी फिजिकल इनकन्वीनियंस है, बच्चों के लिए होने वाली शारीरिक असुविधा कौन सी है? केयरिंग स्कूल स्टाफ, देखभाल करने वाला स्कूल के कर्मचारी, या फिर सेकेंड प्रोक्सीमेटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल, स्कूल की उपलब्धता में, वेल इक्विप्ड टॉयलेट, टॉयलेट की शौचालय कितने साफ है, कितने उसमें टूल्स है, दी ओवर बर्डन स्कूल बैग्स, स्कूल के बोझ के तले दबे हुए बैग्स। तो इसमें बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चे को कहीं भी इनकन्वीनियंस फील नहीं होती, चाहे टीचर्स उनकी केयरिंग हो या नहीं, वो इतने इनकन्वीनियंट नहीं होते। इफ उनका बैग अगर ज्यादा भारी होता तो बच्चा वहां पे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है, बहुत उसे असुविधा होती है और बहुत दिक्कत होती है। थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ फ्लोर तक उस बोझ के बैग को लेके चलना, और वो पढ़ भी नहीं पाता, उसे लगता है कि इतनी सारी पढ़ाई तो बोझ के नीचे दब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द टर्म करिकुलम, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट वीडियो में, आई थिंक ये सेकेंड भी किया था, कि करिकुलम जो हवा एजुकेशन के फील्ड के पर्पजेस क्या है, टीचिंग का मेथड या कंटेंट जो भी हमने सीखा है, शिक्षण के तरीके और सीखने जाने वाली सामग्री, या फिर द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल्स, स्कूल का समय जो पूरा प्रोग्राम होता है जिसे छात्र दिन प्रतिदिन अनुभव करता है। थर्ड, एवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया, या फोर्थ जो टेक्स्ट कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री की है वो? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कि पूरे दिन की जो हमारी बच्चों की स्कूल के अंदर जो ने दिन प्रतिदिन अनुभव किया वो क्या है, करिकुलम को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 पे किस पर फोकस किया गया? अब इसकी जगह ये भी हो सकता है किस पर फोकस नहीं किया गया, तो आप क्वेश्चन को ध्यान दे के पढ़ना किस वजह किस पर किया गया था। एजुकेशन फॉर साइंस, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर पीस, या ऑल, विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, सभी। तो उसमें किस पर फोकस किया गया था? एजुकेशन फॉर पीस के लिए क्या फोकस किया गया था? पीस पर फोकस किया था, कि शांति के लिए शिक्षा। सेवंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, टीचर की भूमिका कैसे होनी चाहिए?
डिक्टेटर तानाशाह की उसी का हुक्म चलेगा। परमिसिव अनुवादक जो परमिशन दे दे हर एक चीज की। सी फैसिलिटी सुविधाजनक या डी अथॉरिटेटिव अधिकारजनक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फैसिलिटेटिव, कि बच्चों को सुविधा प्राप्त करे, ऐसे टीचर का क्या रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वॉज द वर्कशॉप ऑफ एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 की जो वर्कशॉप है वो कहाँ है हुई थी? एससीईआरटी उदयपुर, एसआईटी उदयपुर, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली या फिर एनएचआरडी दिल्ली। तो इसकी हुई थी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट है, व्हाई इज देयर ए नीड फॉर करिकुलम डिजाइन? करिकुलम डिजाइन करने की जरूरत क्या है? करिकुलम को क्यों हम डिजाइन करें, उसकी आवश्यकता ही क्या? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टीचर, टीचर की सुविधा के लिए। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है शिक्षा के उद्देश्य उसे प्राप्त करने के लिए। टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक टू द चिल्ड्रन, टीच बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंपल बात है, देखो टीचर की सुविधाजनक यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे बात हुई थी एनसीएफ में बच्चों के लिए सुविधाजनक, तो टीचर्स का क्या कन्वीनियंस कन्वीनियंस वाला पॉइंट क्या गलत होता है? फिर बच्चों को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करने का नहीं भाई, बच्चों को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना नहीं। ताकि हम क्यों बनाते हैं करिकुलम? ताकि जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव सब वो अचीव कर सके। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा? सही। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। विच रिफॉर्म्स हैज बिन सजेस्टेड इन द एग्जामिनेशन रिफॉर्म अंडर एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारण में किस सुधार को सुझाया गया है? कौन सा सजेशन दिया गया था उसे सुधारने के लिए? ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन के लिए, ए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन सतत मूल्यांकन, या ओपन बुक एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन की खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, या सभी। तो हमारे एनसीएफ 2005 ने एग्जामिनेशन के जो रिफॉर्मर से आइडियाज, उसमें क्या आइडियाज दिए थे? ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन भी दिया था, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन दिया था, और ओपन बुक इवैल्यूएशन भी दिया था। मतलब ये तीनों पॉइंट हमारे सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? डी, ऑल। सो आज के हमने एनसीएफ में किए थे यही 10 क्वेश्चन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे।